हेलो दोस्तों, सलाम आदाब, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त जावेद खान। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए फिर से हाजिर हूं एक और नया वीडियो लेके। और आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे कंपैरिजन के बारे में जो सबसे एंट्री लेवल में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कार्स मानी जाती हैं और सबसे ज़्यादा डिमांड भी मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम कंपैरिजन करेंगे ऑल्टो K10 VXi वर्सेज एक्सप्रेसो VXi के मॉडल का। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ मात्र 15,000 रुपये का दोनों कार के प्राइस में फ़र्क आता है। और दोनों कार में से कौन सी कार आपको बेहतर और किस कार के अंदर ज़्यादा फीचर आपको मिलते हैं, तो पूरा डिटेल से इस वीडियो में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो शुरू करने से पहले बस रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप किस सिटी में देख रहे हैं अपनी सिटी का नाम ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं K10 VXi के बारे में। तो K10 VXi का जो एक्सशोरूम प्राइस शुरू होता है वो तकरीबन शुरू होता है 5,04,500 रुपये से। और बात करेंगे इसकी, चाबी तो एज नॉर्मल चाबी की तरह ही अवेलेबल होती है, बिल्कुल बेसिक की के साथ में ही ये चाबी आती है। उसके अलावा सिंपल शोवर आपको डिज़ाइन मिल जाता है देखने के लिए, स्टाइलिश नीचे की तरफ आपको हनीकॉम ग्रिल के साथ मिलता है। इसका बम्पर देखने के लिए डुअल चैम्बर के साथ मिलती है आपको, हेडलाइट यहाँ पर देखने के लिए जिसमें आपका इंडिकेटर और हेलोजन हेडलाइट का ऑप्शन आपको नज़र आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से नज़र आता है आपका फ्रंट प्रोफाइल आपके K10 का। तो आप देख सकते हैं ये K10 का फ्रंट प्रोफाइल है, आपको काफ़ी डिसेंट सा लुक नज़र आता है इसकी कार का। और वहीं बात कर लेते हैं अब एक्सप्रेसो के बारे में। तो दोस्तों, एक्सप्रेसो का प्राइस होता है तकरीबन 5,20,000 रुपये के आसपास। और इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है वो थोड़ा सा मस्कुलर, थोड़ा सा बल्की आपको नज़र आता है। और डुअल टोन बम्पर स्टाइलिश आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। जो आपका बम्पर है वो आपको डुअल टोन कलर कॉम्बिनेशन में नज़र आता है, ब्लैक एंड वाइट कलर के कॉम्बिनेशन के साथ में। बट दोस्तों, एक्सप्रेसो के अगर बोनट की बात करें तो काफ़ी बल्की बोनट आपको नज़र आता है, जो SUV इंस्पायर्ड आपको नज़र आएगा। वहीं जो हेडलाइट है वो आपको डुअल चैम्बर हेडलाइट ऑप्शन के साथ नज़र आती है, जिसमें आपका इंडिकेटर और जो हेडलाइट है वो बिल्कुल सेपरेट नज़र आती है। वहीं ग्रिल की अगर बात करें तो काफ़ी मस्कुलर सी आपको ग्रिल दिखती है, जो काफ़ी स्पोर्टनेस आपकी कार को देती है। वहीं आपका जो नीचे वाला बम्पर है वो आपको ब्लैक कलर के साथ नज़र आता है, तो काफ़ी डिसेंट सा लुक आपको मिलता है। एक फ्रंट प्रोफाइल लुक दिखाता हूँ आपको मैं फ्रंट से। तो ये देख सकते हैं, ये है K10 का फ्रंट प्रोफाइल और एक्सप्रेसो का फ्रंट प्रोफाइल। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं फ्रंट प्रोफाइल के बाद साइड प्रोफाइल में। तो K10 का साइड प्रोफाइल आपको कुछ इस तरीके से नजर आता है। यहां पर फेंडर पे ही आपको एक इंडिकेटर का ऑप्शन नजर आएगा। जो फेंडर है इस पे ही आपको एक इंडिकेटर का ऑप्शन नजर आ जाता है। वहीं पे अगर देखें तो इसके टायर्स पे आपको व्हील कवर का ऑप्शन मिल जाता है देखने के लिए। जो व्हील कवर है वो आपको मिल जाता है मैन्युफैक्चरिंग फिटमेंट के साथ में, और जिसपे स्टाइलिश आपको डिज़ाइन भी देखने के लिए मिलता है। टायर की डायमेंशन की अगर बात करें तो यहाँ पर 13 इंची के ट्यूबलेस टायर आपको मिल जाते हैं K10 के इस मॉडल के अंदर। वहीं बात करते हैं इसके A पिलर B पिलर C पिलर के बारे में। तो यहाँ पर आपको व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में नजर आते हैं, यानी कि जो कलर आप लेते हैं उसी कलर की आपको A पिलर B पिलर C पिलर नजर आते हैं। हालांकि यहाँ आपको जो आउटसाइड मिरर है वो सिर्फ ब्लैक कलर के साथ आता है और मैनुअली एडजस्टेबल ऑप्शन के साथ नजर आता है। डोर हैंडल हालांकि यहाँ पर आपको सेम कलर के ही मिलते हैं, जिस कलर की आप कार लेते हैं उसी कलर के आपको यहाँ पे नजर आते हैं। वहीं बात कर लेते हैं एक्सप्रेसो के साइड प्रोफाइल की। तो एक्सप्रेसो साइड प्रोफाइल से कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगी। आप देखेंगे तो काफी मस्कुलर और काफी बल्की नजर आती है एक्सप्रेसो साइड प्रोफाइल के साथ में। तो ये आपका एक्सप्रेसो का साइड प्रोफाइल है। यहाँ पर भी हालांकि फेंडर जो आपको इंडिकेटर फेंडर पे ही नजर आता है, बट इसका जो टायर की डायमेंशन है वो आपको 1 इंची बड़ी मिल जाती है एस कम्पेयर टू K10 के मुकाबले। आपको यहाँ पर 14 इंची का टायर अवेलेबल होता है, और जो व्हील कवर है उसका साइड और डिजाइन भी आपको थोड़ा सा डिफरेंट लुक में नजर आता है। आउटसाइड मिरर की बात करेंगे तो ये भी आपको ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ ही नजर आता है। हालांकि इसके अंदर एक कमी आपको छोटी सी दिखती है, इसके जो डोर हैंडल है वो आपको ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में नजर आते हैं, बट ये इसके कार की लुक के साथ काफ़ी डिसेंट दिखता है, क्योंकि इसकी नीचे की जो स्कर्टिंग साइड की स्कर्टिंग्स है वो भी आपको ब्लैक कलर में मिलती है, तो गाड़ी की लुक उसके साथ में काफ़ी डिसेंट सी नजर आती है। वहीं A पिलर B पिलर C पिलर की अगर बात करें तो ये आपको सेम कलर के साथ में मिलते हैं एक्सप्रेसो में। और दोनों की अगर मैं हाइट की बात करूँ तो एक्सप्रेसो ज़्यादा हाइट में दिखती है एज कम्पेयर टू K10 के मुकाबले। वहीं दोनों कार के रियर प्रोफाइल की अगर बात करें तो दोस्तों, रियर प्रोफाइल में एक्सप्रेसो आपको बल्की नजर आती है एस्केप टू K10 के मुकाबले, और लुक में भी थोड़ा सा डिसेंट नजर आती है वो K10 के मुकाबले। जो ग्लास है वो थोड़ा सा वाइड यहाँ पे नजर आता है। हाई स्ट्रोक माउंट आपको ऊपर की तरफ मिल जाती है, शी शेप में आपको मिल जाती है रियर लाइट्स देखने के लिए। वहीं आपको एक्सप्रेसो की बैजिंग बम्पर में ही आपको रिफ्लेक्टर्स नजर आ जाते हैं, यानी कि दो बम्पर रिफ्लेक्टर आपको मिल जाते हैं यहाँ पे देखने के लिए। 2 आइस पार्किंग सेंसर मिलते हैं, जो रियर वाला बम्पर है वो भी आपको यहाँ पर सेम कलर कॉम्बिनेशन में ही नजर आता है, माफी चाहूंगा दोस्तों, ब्लैक कलर के साथ में नजर आता है। तो ये देख सकते हैं, ये है आपका रियर प्रोफाइल एक्सप्रेसो का, और ये साइड में ही प्रोफाइल आपको मैं दिखाऊंगा अभी K10 का भी।
तो दोस्तों देख सकते हैं ये है रियर प्रोफाइल अब K10 का। तो रियर प्रोफाइल में K10 का जो ग्लास है वो एज कम्पेयर टू एक्सप्रेसो थोड़ा छोटा नजर आता है। हाई स्ट्रोक माउंट लाइट का जो डिजाइन है वो आपको सेम ही मिलता है, जैसा वहां पे मिलता है वैसा ही मिलता है। हालांकि जो रियर लाइट्स है वो आपको एक्सप्रेसो की थोड़ी सी डिसेंट और थोड़ी सी नई डिजाइन के साथ में आपको नजर आती है। K10 की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पर आपको सुजुकी का बीच में लोगो मिल जाता है, 2 आइस पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं यहाँ पर। हालांकि बम्पर आपको सेम कलर में ही नजर आता है, तो ये सबसे अच्छी बात है कि आपके जो बम्पर है वो आपको यहाँ पे सेम मिलता है। वहीं एक्सप्रेसो में जो बम्पर है वो ब्लैक कलर के साथ थोड़ा सा स्पोर्टनेस बढ़ाता है। तो रियर प्रोफाइल आप देख सकते हैं एक्सप्रेसो और K10 का इस तरीके से आपको नजर आता है। अब आपको दोनों कार का बूट स्पेस भी हम दिखाते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अब K10 के बूट स्पेस के बारे में। तो K10 के अंदर आपको जो बूट स्पेस मिलता है तकरीबन 214 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, और रियर सीट पूरी तरीके से फोल्ड हो सकती है, आप इसको फोल्ड करके स्पेस को घटा बढ़ा सकते हैं। और ये देख सकते हैं 214 लीटर का बूट स्पेस आपको कितना सफिशियंट रहता है आपके सफर के दौरान। तो यहाँ पर आपका स्पेयर व्हील आपको नीचे की तरफ नजर आता है, आप देखेंगे जो स्पेयर व्हील है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर बात करूं तो ठीक ठाक बूट स्पेस आपको मिल जाता है इस सेगमेंट के अंदर, इस कार के अंदर। वहीं एक्सप्रेसो की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो एक्सप्रेसो में आपको बूट स्पेस मिल जाता है तकरीबन 239 लीटर का, यानी कि एज कम्पेयर टू K10 के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। और सीट इसकी भी हालांकि यहाँ पे फ्लेक्स फोल्डेबल मिल जाती है, आप पूरा उसको फोल्ड कर सकते हैं यूटिलिटी के हिसाब से। और स्पेयर व्हील आपको यहाँ पे मिल जाता है इसके नीचे देखने के लिए, और 14 इंची का ही स्पेयर व्हील आपको यहाँ पर भी मिलता है देखने के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं यह है बूट स्पेस रियर में आपका एक्सप्रेसो का, वहीं आपका बूट स्पेस दिख जाता है K10 का इस तरीके से। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर K10 के इंटीरियर क्लास के बारे में। तो K10 का जो इंटीरियर है वो आपको कुछ इस तरीके से नजर आता है ग्रेस कलर्स में, कलर के कॉम्बिनेशन में। हालांकि जो डोर हैंडल है वो आपको ब्लैक कलर में मिलते हैं, नीचे बोतल होल्डर पेपर होल्डर का स्पेस मिल जाता है, स्पीकर की जगह मिल जाती है, मैनुअली बटन आपको स्टिक मिल जाता है इसको आउटसाइड के मिरर को एडजस्ट करने के लिए। हालांकि पावर विंडो के बटन यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, वो दूसरी तरफ है, वो भी दिखाता हूँ। तो इंटीरियर गाड़ी का कुछ इस तरीके से आपको नजर आता है ग्रेश कलर की कॉम्बिनेशन में। नया स्टीयरिंग आपको देखने के लिए मिलता है, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले आपको मिल जाता है जो आपको डिजिटल सिस्टम के साथ ही अवेलेबल होता है। इसके अलावा जो सीट का फैब्रिक है वो आपको अपोस्ट्री जो है वो आपको कुछ इस तरीके से नजर आती है, ये अपोस्ट्री आपको मिलती है इसके ग्रेश और बेज कलर के कॉम्बिनेशन के साथ में। अंदर के डैशबोर्ड की अगर बात करें दोस्तों, तो अंदर का डैशबोर्ड आपको यहाँ पर म्यूजिक स्टीरियो जिसके अंदर आपको मिल जाते हैं बेसिक फीचर्स, जिसमें FM, USB, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी या स्मार्ट डॉक के थ्रू आप यहाँ पे एक डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, अपना मोबाइल होल्डर यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। पावर विंडो के बटन आपको यहाँ पर एक्सेस करने के लिए मिल जाते हैं, नीचे आपको AC के बटन्स मिलते हैं, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, नीचे बोतल होल्डर पेपर होल्डर आप यहाँ पे दो का फोल्डर रख सकते हैं, छोटा मोटा पेपर होल्डर यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। बेसिक सी गियर नॉब आपको मिलती है, छोटा मोटा यूटिलिटी स्पेस आपको यहाँ पर नजर आता है। ऊपर की तरफ डैशबोर्ड में ही आपको मिल जाता है एयरबैग देखने के लिए। AC वेंट्स आपको सिंपल मिलते हैं बिल्कुल बेसिक डिजाइन के साथ में। हालांकि जो सनवाइजर वगैरह है वो छोटे ही नजर आते हैं, आप देखेंगे तो यहाँ पर बेसिक से सनवाइजर वगैरह आपको मिल जाते हैं देखने के लिए। वहीं बात कर लेते हैं रियर में स्पेस कैसा मिलता है, तो रियर में कुछ स्पेस इस तरीके से आपको नजर आता है। इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट मिल जाते हैं आपको यहाँ पर देखने के लिए K10 के अंदर। वहीं आपको पीछे वाली विंडो मैनुअल मिलती है तो मैनुअल स्पेस मिलता है। सीट का फैब्रिक अपोस्टी पहले जैसा ड्राइवर साइड में है वैसे ही आपको यहाँ पर भी नजर आता है। हालांकि लेगरूम की अगर बात करें तो काफ़ी ठीक ठाक सा लेगरूम आपको मिल जाता है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर आप देखेंगे इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट आपको आगे पीछे दोनों सीट पर नजर आते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं एक्सप्रेसो के इंटीरियर के बारे में। तो एक्सप्रेसो का इंटीरियर आपको ब्लैक कलर के साथ में मिलता है। हालांकि जो दरवाज़ा है वो थोड़ा सा बड़ा है एज कम्पेयर टू K10 के मुकाबले, बट थोड़ा सा डिज़ाइन और फैब्रिक की अगर बात करें तो यहाँ पर प्लास्टिक ट्रिम आउट्स मिलते हैं, फैब्रिक वगैरह नहीं मिलते हैं आपको। तो बेसिक से फैब्रिक के साथ यहाँ पर मिल जाता है, प्लास्टिक के साथ आपको यहाँ पर इसका ब्लैक कलर का इंटीरियर, पेपर होल्डर बोतल होल्डर और स्पीकर का स्पेस लगभग कॉमन ही मिलता है, जैसा वहाँ पर मिलता है वैसा ही यहाँ पर भी मिलता है। उसके अलावा आपके आउटसाइड मिरर को स्टिक मिल जाती है एडजस्ट करने के लिए। इंटीरियर की अगर बात करें तो ब्लैक टोन का इंटीरियर यहां पर आपको अवेलेबल होता है एक्सप्रेसो के अंदर। तो दोस्तों देख सकते हैं यह है एक्सप्रेसो का इंटीरियर, और सबसे अच्छी बात है यहां पर आपको एक्सप्रेसो के अंदर आइडियल स्टार्ट स्टॉप भी मिलता है जो आपकी इंजन टेक्नोलॉजी को और भी सुपीरियर बनाता है। AC वेंट्स आपको बेसिक नजर आते हैं जो बैरल शेप में आपको यहां मिल जाते हैं देखने के लिए। उसके अलावा पावर स्टीयरिंग की अगर बात करें तो कॉमन ही पावर स्टीयरिंग आपको मिलता है, म्यूजिक स्टीरियो कॉमन आपको नजर आता है एक्सप्रेसो और K10 के अंदर। हालांकि मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जो है वो थोड़ा सा डिजाइन चेंज हो जाता है, यहाँ पर आपको सेंट्रल कंसोल के अंदर नजर आता है। वहीं छोटा मोटा यूटिलिटी स्पेस आप यहाँ यूज कर सकते हैं, एयरबैग आपके डैशबोर्ड पे मिल जाता है, AC वेंट्स आपको अच्छी जगह पे नजर आते हैं, आप देखेंगे तो यहाँ पर AC वेंट्स आपको मिलते हैं। नीचे यूटिलिटी स्पेस छोटा मोटा आपको डैशबोर्ड के अंदर वैसे ही मिलता है जैसे आपको K10 के अंदर मिलता है।
सेम मैनुअल एसी के बटन्स नजर आते हैं, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, छोटा मोटा यूटिलिटी पेपर स्पेस वगैरह आपको मिलता है, दो का फोल्डर यहाँ पर मिल जाता है देखने के लिए। इसके अलावा कार के अंदर जो इंटीरियर है वो आपको थोड़ा सा ऊंचा है, जो सिटिंग पोस्चर है वो थोड़ा सा ऊंचा मिलता है एज कम्पेयर टू K10 के मुकाबले। आप देखेंगे यहाँ पर K10 का जो इंटीरियर है वहाँ के मुकाबले थोड़ा सा आपको सुपीरियर सी नजर आती है एक्सप्रेसो एज कम्पेयर टू K10 के मुकाबले। सीट की जो सिटिंग पोस्चर है वो थोड़ी सी ऊंची है ताकि आपको विजिबिलिटी काफ़ी बेहतर मिलती है। इसके अलावा ऊपर है आपके जो सनवाइजर वगैरह हैं वो कॉमन ही आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा यहाँ बात कर लेते हैं पीछे स्पेस में, तो स्पेस आपको पीछे भी लगभग कॉमन ही नज़र आता है, बट सिटिंग पोस्चर काफ़ी ऊंचा होने की वजह से काफ़ी अच्छा हेडरूम मिल जाता है, काफ़ी अच्छा लेग रूम आपको मिल जाता है एक्सप्रेसो के अंदर। लेग रूम की अगर बात करें तो सफिशिएंट सा लेग रूम आपको मिलता है, थाई सपोर्ट भी काफ़ी बेहतरीन से आपको मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कार के अंदर सेफ्टी के क्या क्या मेजरमेंट आपको मिलते हैं। गाड़ी के अंदर आपको डुअल एयरबैग, ABS, CVT, पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर और स्पीड अलर्ट सिस्टम, और यहाँ लगे आपको जो एक्सप्रेसो है उसके अंदर आपको सुजुकी हार्टेक प्लेटफॉर्म भी मिलता है जो नॉर्मल स्टील से लगभग 3.5 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं दोनों कार के इंजन के बारे में। दोस्तों 1000cc का इंजन दोनों कार के अंदर अवेलेबल होता है, बट जनरेशन में थोड़ा सा माइनर सा फर्क है, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि K10 के अंदर आपको मिलता है K10 नेक्स्ट जनरेशन का इंजन जो आता है सिंपल डुअल VVT डुअल जेट के साथ में, और लगभग 23.5 किलोमीटर पर लीटर एवरेज यहाँ क्लेम करता है। वहीं एक्सप्रेसो की अगर बात करें तो यहाँ पर मिलता है आपको K10 के अंदर सेम इंजन, बट यहाँ पर आपको डुअल VVT डुअल जेट और आइडियल स्टार्ट स्टॉप का बेसिक फंक्शन भी आपको K10 की जगह एक्सप्रेसो में नजर आता है। तो यानी कि ज़्यादा एडवांस अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो वो आपको एक्सप्रेसो के अंदर आपको मिलती है, क्योंकि यहाँ फ्यूल एफिशिएंसी एज कम्पेयर टू K10 के मुकाबले थोड़ी सी बेहतर मिलती है और नई टेक्नोलॉजी भी देखने के लिए मिलती है। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि दोस्तों आपका छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। बाकी दोस्तों अपडेट वीडियो के साथ में जल्दी मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, गाड़ी चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल करें, टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल करें और फोर व्हीलर चलाते टाइम सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि दोस्तों आप इन सब के लिए पैसे भी खर्च करते हैं और आप अपनी जान को रिस्क में भी डालते हैं। जल्दी मिलते हैं अपडेट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।